हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अप्रेंटिस फॉर्म या फिर जो प्लेसमेंट फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक लिंक है जो मैंने यहाँ पर डाली हुई है। अगर आपको ये लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक जो है अवेलेबल है, वहाँ से आप डायरेक्टली इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। कई बार ये इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है कि आपको वहाँ पर फ़ोन नंबर डालना पड़ता है, प्लस में नीचे फिर OTP आपको आ जाएगा। अगर इस तरीके का इंटरफेस आता है तो जब आप फ़ोन नंबर वगैरह डाल देंगे तो उसके बाद आपको ये वाला इंटरफेस शो होगा। अगर वो इंटरफेस ना शो हो, सेम ऐसा हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही आप इस पेज पर आ जाएंगे तो आपको जो है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है टीमलेस, यहाँ पर जो है क्या करना है, लिखा हुआ है यहाँ रजिस्टर करें। क्लियर? तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर ये लोड हो रहा है पेज, तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस ऑप्शन पे देखो, जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना मोर सफिशियंट है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो उससे पहले आप लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, लॉगिन के लिए बिकॉज़ वहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरा होगा। क्लियर? इसके बाद आपको जाना है यहाँ लॉगिन पे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन पे क्लिक करते के साथ ही आपको यहाँ पर ना ऑप्शन दिखेगा, एक ये दिख रहा है आपको रजिस्ट्रेशन एज अ कैंडिडेट या फिर लॉगिन। लॉगिन तो आप जब भी करोगे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा, तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको यहाँ लिखना है रजिस्टर एज अ कैंडिडेट, ओके, कि आप एक कैंडिडेट की तरह यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, जो भी आपका नेम है। देन नेम के बाद आपको यहाँ पर डालनी है क्या, ईमेल आईडी, सॉरी ये थोड़ा सा बैक हो गया है। हाँ देखिए, यहाँ पर आपको डालना है अपना नेम, ईमेल आईडी, देन फ़ोन नंबर, जो आपने OTP के लिए फ़ोन नंबर डाला है ना उसी फ़ोन नंबर को डालना है। आप चाहे तो वैसे अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो आप अदर फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। देन आपका यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड आपका न्यू ही है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालने की कोशिश करें। उसके बाद आपकी लोकेशन, कि आपकी लोकेशन है क्या सिटी की। देन उसके बाद आपको DOB डालना है। DOB किस तरीके से डालना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको दिख रहा है July 2020, ठीक है, तो आपको ये पीछे एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करके आप जो है पीछे जा सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है नीचे कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स आपके सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि ये फॉर्म तो सिर्फ आपका ITI का है, जैसे ये कुछ बच्चे होते हैं उनकी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुकी होती है, देन उसके बाद वो अपना करते हैं, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो 12th के बाद ITI करते हैं, तो आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट की है वो डालनी है। उसके बाद क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, जॉब ट्रेड, कि आपको ट्रेड किस ट्रेड में चाहिए, आपने जो ITI की है वो किससे रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ कंप्यूटर, तो देखो यहाँ तुरंत ही आगे कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फाइनेंस, जैसे कि आप फिनेंस, फिटर वगैरह, डाटा एंट्री, जो भी आपका है आप उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं स्किल। आपको स्किल का मतलब है जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपको कंप्यूटर आता है, या आपको वीडियो एडिटिंग आती है, या फिर कोई अदर चीज़ है जो आपको आती है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। रिज्यूम अगर आपके पास अभी है तो आप फिल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और वो रिज्यूम ना आपका 2 MB से कम होना चाहिए और वो PDF फाइल में होना चाहिए। क्लियर? PDF फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, तो वो चलेगा यहाँ पर। क्लियर? उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, क्योंकि आप इसको बाद में एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे ना, तो सबमिट के बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन आएगा किसका, लॉगिन का। ठीक है, तो आप लॉगिन किस तरीके से करेंगे, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी के बाद आपको डालना है पासवर्ड। क्लियर? ईमेल आईडी और पासवर्ड आप जैसे ही डालोगे ना, यहाँ लॉगिन करोगे तो आपको बोलेगा ईमेल वेरिफिकेशन करो प्लस फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है फॉरगेट पासवर्ड पे। फॉरगेट पासवर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डालना है। तो जैसे ही आप फ़ोन नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। क्लियर? तो जैसे ही आप उस OTP को यहाँ पर फिल कर देंगे
तो सेंड ओटीपी करना है, सेंड ओटीपी के बाद आपका यहाँ पर ओटीपी फिल कर देंगे तो आपका जो नंबर है वेरीफाइड हो जाएगा। देन उसके बाद बोलेगा ईमेल वेरीफाई के लिए, तो आपको यहाँ पर क्या डालना है, ईमेल डाल देनी है अपनी। तो जो भी आपकी ईमेल है ना, जब आप उस ईमेल को डाल दोगे, ठीक है, ईमेल वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप ईमेल को ईमेल डाल देंगे ना, तो ईमेल डालने के बाद जो है आपका ना मेल पर एक मैसेज आएगा जो कि वेरिफिकेशन का मैसेज होगा, ठीक है। तो उस ईमेल को जैसे ही आप डाल देंगे, थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। देखो ये जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रजिस्ट्रेशन किया था, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका ना यहाँ पर इस तरीके से आएगा कि एक्टिवेशन रिक्वेस्ट अप्रेंटिस पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक लिंक दी होगी, इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये लिंक आपका जो है वहाँ पर ओपन हो जाएगा। और देखो यहाँ लिखा हुआ है वेरीफाई योर ईमेल आईडी, क्लियर, मेरी ईमेल आईडी वेरीफाइड हो चुकी है। और यहाँ पे ये जो लिंक दे रखी है, इसको आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, क्लियर। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ना आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा एडिट वगैरह का, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, ठीक है। देखो यहाँ पर ये आ गया कि ईमेल आईडी वेरीफाइड हो चुका है, तो यहाँ पर गो टू लॉगिन पेज कि लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन में आपने देखो जो ईमेल आईडी डाली है वो डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया होगा उस पासवर्ड को, तो आपको वो पासवर्ड डाल देना है। जैसे कि इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के जब आप इसे लॉगिन कर लोगे, ठीक है, लॉगिन करने के बाद ना आप वहाँ से एडिट कर सकते हैं। मेनली यहाँ पर मेन पर्पस ये था मेरा कि आप किस तरीके से अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगी, जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे तो क्या होगा, लॉगिन करने के बाद ना आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये पेज थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, तो आपको जो है ये पेज जब आ जाएगा उसके बाद आप ना इस पेज में चेंजेस कर सकते हैं कि आपको अगर अपना रिज्यूम अपलोड, जैसे ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया माय प्रोफाइल, तो जैसे आप माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप क्या चेंज करना चाहते हैं, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, स्किल डिटेल, या ट्रेड आपकी जो भी है गलत फिल हो गई है, या फिर वर्क एक्सपीरियंस कितना है, माय असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और उसके बाद जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, दैट मीन्स आप इसमें किस किस तरीके के जॉब जो अपील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। देखो ये सारी चीज़ें आ गई कि आपको कौन सी जॉब फिल करनी है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जॉब्स दिखेंगी जो आपको सुटेबल लगती है, आपके लिए सही लग रही है कि हाँ भाई ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, तो आप वहाँ पर जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हों, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे ये होगा कि हर वीडियो जब भी मैं बनाऊंगी तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।